होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिया और इसराइल के राजा योवाश के पुत्र यरोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और इसराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा, और उस समय मैं इज़राइल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। धनुष, तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा मैं उनका उद्धार करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़वाया, तब वह गर्भवती हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और मैं न तुम लोगों का रहूंगा, तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहुना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवते परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इसराइली दोनों इकट्ठे होकर अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा।